दोस्तों आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का यहाँ पर सेकंड ओडीआई मैच खेला जा रहा है। दोस्तों ये मुकाबला काफ़ी निर्णायक होगा, क्योंकि दोस्तों पहले मुकाबले में जिस प्रकार से यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल करी थी, उसके बाद इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की टीम पहले यहाँ पर सेकंड ओडीआई मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड की टीम की तरफ से यहाँ पर जेसन रॉय, जिन्होंने पिछले मैच में यहाँ पर शतक मारा था, वहीं इनके साथ ही खिलाड़ी डेविड मलान दोनों यहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप करने उतरे। जेसन रॉय ने यहाँ पर 19 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए, एक चौका लगाया 47/36 स्ट्राइक से। ब्रिन गेंगिड़ी जो भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने आती जेसन रॉय को यहाँ पर 9 रनों के स्कोर पर बॉल किया और इस बड़े विकेट को लिया लुंगी एनगिड़ी ने। जेसन रॉय 9 रन बनाकर आउट। उनके साथ ही खिलाड़ी डेविड मलान ने यहाँ पर 15 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए, एक चौका तो एक छक्का लगाया 80 स्ट्राइक से। दोस्तों पन्नेल गेंदबाजी करना है और यहाँ पर LBW आउट किया डेविड मलान को 12 रनों के स्कोर पर। दोनों ही ओपनर्स की यहाँ पर विकेट बेदी जल्दी गिर गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए बेन डकेट। बेन डकेट ने यहाँ पर 32 गेंदे खेलते हुए 20 रन जड़ दिए, जिसमें इन्होंने एक चौका लगाया 62.50 की स्ट्राइक से। दोस्तों यहाँ पर एक छोर से केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और सब्स्टिट्यूट फील्डर यहाँ पर जानेमन मलान के हाथों कैच करवाकर बेन डकेट को 20 रनों के स्कोर पर चलता गया। इसी के साथ टीम साउथ इंग्लैंड के लगातार 3 विकेट गिर चुके। चौथे नंबर पर आए हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने यहाँ पर 75 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन ठोक दिए। जी हाँ दोस्तों, हैरी ब्रूक चौथे नंबर बल्लेबाजी करना है। और पांचवें नंबर पर आए कप्तान जोस बटलर। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर 100 रनों से ज़्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी। हैरी ब्रूक ने 75 गेंदों पर 80 रन बनाए, 7 शानदार चौके जड़े, तो इन्होंने 4 लंबे लंबे सिक्सेस भी लगाए। हैरी ब्रूक ने यहाँ पर 106.66 की स्ट्राइक से शानदार बल्लेबाजी करी। दोस्तों एक छोर से एडम मार्करम गेंदबाजी करना है और एडम मार्करम ने हैरी ब्रूक की शानदार पारी को समाप्त किया और अब उनके शतक को भी रोक दिया, जो शतक से 20 रन चूके। एडम मार्करम गेंदबाजी करना है, वांडरसन के हाथों कैच लपका कर हैरी ब्रूक 80 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। दोस्तों के बाद कप्तान जोस बटलर, जो कि आज के मुकाबले में अंत तक नावा टेक रहे और टीम को एक अच्छा स्कोर तक पहुँचाया। यहाँ दोस्तों जोस बटलर फिनिशिंग के तौर पर भी शानदार साबित हुए आज के मुकाबले में। दोस्तों बात करते हैं पाँचवें नंबर पर आए बल्लेबाज। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर ने 82 गेंदों का ही यहाँ पर सामना किया। उस 82 गेंदों के अंदर 94 रन ठोक दिए, जिसमें इन्होंने 8 शानदार वोट्स मारे, तो वहीं यहाँ पर 3 लंबे लंबे सिक्सेस मारे। 114.63 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी इंग्लैंड टीम के कप्तान ने। इंग्लैंड टीम के कप्तान और मैच 6 रन से ही अपने शतक से चूक गए और अंत तक नाबाद टिके रहे 94 रनों के स्कोर पर। 6 रन से अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और टीम को अंत तक यहाँ पर लेके गए। दोस्तों इस मैच में तब तक यहाँ पर लुंगी एनगिडी ने एक विकेट ले लिया था। इसके बाद छठे नंबर आए मोइन अली ने भी अपना अलग ही रूप दिखाया। मोइन अली ने बेहतरीन शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी करी। मोइन अली ने दोस्तों बात करते हैं तो 45 गेंदें खेली और यहाँ पर 51 रन जड़ दिए, जिसमें इन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। 113.33 की स्ट्राइक से शानदार बल्लेबाजी करी। इन्होंने जोस बटलर का साथ निभाया, उनके साथ इन्होंने अपनी 50 मारी। नोकिया दोस्तों गेंदबाजी करना है, नोकिया ने आती मोइन अली को यहाँ पर 51 रनों के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। दोस्तों इसके बाद सातवें नंबर के बल्लेबाज क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी करने उतरे। क्रिस वॉक्स ने 16 गेंदों खेलकर 14 रन ठोके, 2 चौके लगाए और 87.50 की स्ट्राइक से शानदार बल्लेबाजी करी। दोस्तों जानेमन मलान गेंदबाजी करना है और यहाँ पर क्लासन के हाथों कैच करवाकर क्रिस वॉक्स को 14 रनों के स्कोर पर चलता गया। दोस्तों इसके बाद आठवें नंबर के बल्लेबाज सेम प्रणय और टीम को फिनिशिंग के लिए इनकी बल्लेबाजी बेहद ही जरूरी थी और इन्होंने वैसे ही कर दिखाया जिस प्रकार टीम को इनकी जरूरत थी, जिसे फिनिशिंग की उम्मीद थी। इंग्लैंड टीम को वैसी फिनिशिंग दी यहाँ पर आज के मुकाबले में सैम करन ने। सैम करन ने दोस्तों यहाँ पर 17 गेंदें खेली, तो वहीं 17 गेंदों के अंदर ही मैच 17 गेंदों के अंदर ही यहाँ पर 28 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें इन्होंने 3 बड़े बड़े यहाँ पर छक्के लगाए तो एक शानदार यहाँ पर चौका भी लगाया। 164.70 की स्ट्राइक से इनकी बल्लेबाजी बेहद शानदार रही। दोस्तों नोकिया गेंदबाजी करना है और सैम करन को क्लासन के हाथों कैच करवाकर 28 रनों के स्कोर चलता गया। इसके बाद 10 नंबर को लगा दिल रशीद ने एक गेंद का सामना किया, नाबाद रहे, आउट नहीं रहे। वहीं दोस्तों टीम इंग्लैंड ने यहाँ पर 50 ओवर के अंदर 342 रन यहाँ पर बना दिए थे दोस्तों 5 विकेट के नुकसान पर और 343 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा साउथ अफ्रीकन टीम के सामने। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 343 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डीकॉक और कप्तान तेम्बा बावुआ ने यहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप करी। क्विंटन डीकॉक ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी करी, 28 गेंदों पर 31 रन जड़ दिए, 4 चौके और एक सिक्स लगाया 110.71 की स्ट्राइक से। स्टोन यहाँ पर गेंदबाजी करना है और डकेट ने कैच लपक कर डीकॉक को 31 रन के स्कोर पर चलता गया। इसके बाद भी टेम्बा बावुआ जो कि ओपनर बल्लेबाज है और साउथ अफ्रीका के कप्तान है, वो बल्लेबाजी करते रहे एक छोर से। इन्होंने अभी 102 गेंदे खेलकर 109 रन जड़ दिए और आज के मुकाबले में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला शतक भी मार दिया है।
इन्होंने अपनी 109 रन की पारी में 14 चौके तो एक छक्का जड़ा। 106/86 की स्ट्राइक रेट से बेहद शानदार बल्लेबाजी करी। सेम करने यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाजी करना है बहुमा को, यहाँ पर 109 रन के स्कोर पर बॉल किया। साउथ इंडियन टीम के कप्तान 109 रन बनाकर आउट हुए, तब तक इन्होंने अपना काम कर दिया था। इसके बाद वांडरसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना है। वांडरसन ने 38 गेंदों पर 38 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। आदिल रशीद ने गेंदबाजी करी और मोइन अली ने कैच लपका। वांडरसन 38 रन के स्कोर पर आउट। चौथे नंबर पर एडम मार्करम ने 37 गेंदों के अंदर 45 रन ठोक दिए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए 121.62 की स्ट्राइक रेट से। 105वें नंबर के बल्लेबाज हेनरी क्लासेन 19 गेंदों पर अभी यहाँ पर 27 रन बना दिए हैं, 3 चौके लगाए 142.10 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चल रही है। स्टोन यहाँ पर गेंदबाजी करने आए और बटर ने शानदार कैच लपककर हेनरी क्लासेन को 27 रन के स्कोर पर चलता गया और इनकी एक धुआंधार पारी को समाप्त किया। इसके बाद दोस्तों अभी छठे नंबर पर साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाज फिनिशर यहाँ पर डेविड मिलर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। 16 गेंदों पर 23 रन जड़ दिए, 1 छक्का 1 चौका मारकर 143.75 की स्ट्राइक रेट से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर 40 ओवर के अंदर टीम साउथ अफ्रीकन टीम ने 273 रन बना दिए 4 विकेट खोकर। 6.82 रन रेट से यहाँ पर टीम साउथ अफ्रीका बेहद शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है। और अभी इस छोर पर टिके हुए हैं एडम मार्करम, वहीं यहाँ पर डेविड मिलर, दोनों को यहाँ पर अंत तक टिकना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये वाला मुकाबला जीतना है और सीरीज़ को यहाँ पर बराबर करना है और सीरीज़ को यहाँ पर जीतनी है तो ये मुकाबला जीतना टीम साउथ अफ्रीका के लिए बेहद ही जरूरी है। डेविड मिलर 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर नाबाद टिके हुए हैं, तो वहीं यहाँ पर एडम मार्करम भी 43 गेंदों खेल कर 45 रन पर यहाँ पर नाबाद टिके हुए हैं। दोस्तों वहीं इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम की आज के मुकाबले में गेंदबाजी की। तो यहाँ पर इंग्लैंड टीम ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी की है दोस्तों अभी तक खेले गए इस मुकाबले में। क्रिस वोक्स की बात करें तो इन्होंने 6 ओवर फेंके, 6 ओवर के अंदर इन्होंने 54 रन दिए, 9 की इकोनॉमी से विकेट नहीं मिला, गेंदबाजी थोड़ी महंगी साबित हुई। रिस टोपली ने 8 ओवर के अंदर 61 रन दिए, 7.62 की इकोनॉमी रही, इनको भी विकेट नहीं मिला। मोइन अली ने 3 ओवर में 23 रन दिए, 7.66 की इकोनॉमी से, इनको भी विकेट नहीं मिला। वहीं ओली स्टोन ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर के अंदर 2 विकेट ले डाले और 41 रन दिए और यहाँ पर एक मेडन ओवर भी फेंका, 5.12 की इकोनॉमी से बेहतरीन गेंदबाजी रही यहाँ पर ओली स्टोन की। बात करते हैं सैम करन ने फिनिशिंग तो शानदार दी और यहाँ पर गेंदबाजी में ही अपना लोहा मनवाया, मैच 7 ओवर के अंदर ही 38 रन दिए, 1 विकेट निकाला तो एक पूरा ओवर में रन भी डाल दिया, 5.42 की इकोनॉमी से अच्छी गेंदबाजी करी यहाँ पर सैम करन ने। वहीं आदिल रशीद की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तो आदिल रशीद ने भी यहाँ पर 8 ओवर के अंदर 56 रन दे दिए और 56 रन देकर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक विकेट भी ले लिया। आदिल रशीद जो कि एक स्पिनर गेंदबाज, इन्होंने 7 की इकोनॉमी से बेहतरीन गेंदबाजी करी। दोस्तों वहीं बात करते हैं आज के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी की दोस्तों वह रही ओली स्टोन फास्टर गेंदबाज की, इन्होंने 8 ओवर के अंदर 41 रन दिए तो यहाँ पर 2 विकेट भी निकाले अपनी टीम के लिए। वहीं सैम करन ने भी 7 ओवर के अंदर 38 रन देकर विकेट निकाला। वहीं आदिल रशीद जो कि स्पिनर है, इन्होंने 8 ओवर में 56 रन दिए और एक विकेट निकाला। और सबसे महंगी गेंदबाजी की बात करें तो क्रिस वोक्स की रही, क्रिस वोक्स 6 ओवर के अंदर यहाँ पर 54 रन दे दिए 9 की इकोनॉमी से। वहीं दोस्तों बात करते हैं बेहतरीन शानदार अभी तक यहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम रनों का पीछा कर रही है और अभी दोस्तों 60 गेंदों के अंदर यहाँ पर 72 रन चाहिए। दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतती है, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।